चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जिसका नाम है क्या, फ्रैक्शन ऑफ वर्क। अब फ्रैक्शन ऑफ वर्क समझने के लिए मैंने यहाँ पे दो छोटे से क्वेश्चन दिए, इनको समझ लीजिए आपको काफी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है, टू थर्ड ऑफ द वर्क कंप्लीटेड बाय ए इन 10 डेज, मतलब एक काम का 2/3 हिस्सा ए 10 दिन में कंप्लीट करता है, तो पूरा काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो देखिए 2/3 ऑफ वर्क इन 10 डेज, करेक्ट। तो वन वर्क निकालना तो कैसे करेंगे, जो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था 3/2 × 2/3, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हमने किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर वन चाहिए। W = 3/2 × 10 डेज, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे क्या आएगा, 2 कटेगा 2 कटेगा 3 कटेगा 3 कटेगा, यहाँ पर अल्टीमेटली बचेगा वन वर्क, मतलब कंप्लीट वर्क, वन रिप्रेजेंट कंप्लीट वर्क विल बी कंप्लीटेड 100 डेज, 2 से 5 2 से 10 कटा, 5 = 15 डेज, मतलब पूरा काम कंप्लीट करने के लिए 15 दिन का समय लगेगा। ये हो गया पार्ट वन। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, पूरा काम करने के लिए कितना दिन ले रहा है, 20 दिन, ठीक। अगर देखिए पूरा काम करने के लिए वो अगर 20 दिन ले रहा है तो 2/5 ऑफ वर्क करने के लिए कितना, तो दोनों साइड मुझे 2/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 × 2/5 5 × 20 4 × 2 8 डेज, मतलब 8 दिन में 2/5 ऑफ वर्क कंप्लीट हो सकता है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, इसी के बेसिस पर हमको और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं।